नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज में और मैं हूं विशाल शर्मा। जम्मू कश्मीर में एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव पुनः शुरू हो सकती है और सूत्रों की माने तो ईद के बाद इसकी शुरुआत हो सकती है, यानी कि स्टेट लैंड, घासराई लैंड और बाकी जो लैंड है जिस पर एनक्रोचमेंट हुआ है और जिस पर सरकार ने पहले पीला पंजा चलाया था, लेकिन लोगों के प्रोटेस्ट के बाद और एमएचए के इंटरवेंशन के बाद जब एमएचए ने ये कहा था कि लोगों से इस विषय पर बातचीत की जाए, उन्हें मौका दिया जाए और इस सब के बीच ये ड्राइव कुछ अरसे से बंद पड़ी हुई है, लेकिन अब जो जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक ये ड्राइव ईद के बाद पुनः शुरू हो सकती है और बाकायदा जम्मू कश्मीर सरकार ने केंद्र से इस मामले में अप्रोच की है और ये कहा है कि जल्द एक पॉलिसी जो है वो इस मामले में लाई जाए। उस पॉलिसी के लिए भी जम्मू कश्मीर सरकार ने केंद्र को प्रस्ताव दिया है और सूत्र ये बताते हैं कि बहुत जल्द वो पॉलिसी अप्रूव हो जाएगी, जिसके बाद जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चलना शुरू हो जाएगी, यानी कि पीला पंजा चलना शुरू हो जाएगा। हमारे सूत्रों ने हमें यह बताया है कि ईद के बाद ये कार्रवाई शुरू हो जाएगी और सूत्र ये भी बताते हैं कि शायद केंद्र की तरफ से राज्य को माफ करिएगा जम्मू कश्मीर को इस ड्राइव को लेकर बहुत सी जो पॉलिसीज है उस पर सहमति मिल चुकी है, यानी कि 5 मरले तक का जिसके पास एनक्रोचमेंट होगा और उसका रेजिडेंशियल मकान होगा शायद उसे ना गिराया जाए। उसके अलावा अगर किसी के पास आजीविका चलाने के लिए एक आधी छोटी दुकान होगी शायद उसे छोड़ा जाए, या फिर इस प्रकार के कोई और छोटे रिलैक्सेशन जो है वो इसमें दिए जाएंगे, क्योंकि यही मसला उस समय बना था कि जिस समय ये ड्राइव शुरू हुई थी और वर्बल ये आदेश था कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं छेड़ा जाएगा जो कि गरीब होगा और उसने अपने रहने के लिए या फिर गुजारे के लिए स्टेट लैंड पर कुछ कंस्ट्रक्शन किया होगा, और जो बड़े अहदेदार थे जिन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करके सरकारी जमीन के बड़े पैमाने पर उन्होंने अपने पास रखी हुई थी, उस पर कंस्ट्रक्शन किया था, उन पर कार्रवाई की बात कही गई थी, लेकिन लिखित में कुछ नहीं था और कहीं ना कहीं आम लोगों में भय का माहौल था, प्रदर्शनों का दौर शुरू हुआ था और इस सब के बीच केंद्र ने हस्तक्षेप किया था और ये ड्राइव रुक गई थी। लेकिन अब जो चीज सामने आई है कि ये जो ड्राइव हॉल्ट हुई थी अब इस पर जल्द ही जो नोटिस है वो इश्यू हो जाएंगे, यानी कि इस पर जो पॉलिसी है वो आ जाएगी और पॉलिसी पब्लिक डोमेन में होगी, यानी कि किस प्रकार के लोगों को छोड़ना है, जो गरीब लोग हैं जिन्होंने एक छोटा कंस्ट्रक्शन किया है या जिनके पास कोई छोटी दुकान है, कोई खोखा है, तो वैसे लोगों को शायद इससे एग्जम्प्ट कर दिया जाए, यानी कि उन्हें राहत दे दी जाए। लेकिन जो बाकी के बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने ज्यादा जमीन घेरी हुई है, अपने पास रखी हुई है, उन पर कार्रवाई होगी और बकायदा जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि जो पॉलिसी जम्मू कश्मीर ने केंद्र के समक्ष रखी थी उसे अप्रूव्ड भी कर दिया गया है और बहुत जल्द वो पॉलिसी पब्लिक डोमेन में होने वाली है। करीब 75,000 से 87,500 एकड़ जमीन है जो कि अभी भी अंडर द इलीगल ऑक्यूपेशन है और इसमें अधिकतर लोग जो है वो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, यानी कि वो लोग जो कभी बड़े ओहदे पर थे और उन्होंने उस समय उस जमीन को घेरा, गलत तरीके से उस जमीन पर कंस्ट्रक्शन की, वहां से पैसा कमाया, होटल बनाए, बड़े बड़े बंगले बनाए, घर बनाए, लेकिन अब उस सब पर जो पंजा है वो दोबारा से चलने वाला है और सूत्रों की अगर माने सूत्रों के मुताबिक ये ईद के बाद कार्रवाई शुरू हो सकती है, क्योंकि सरकार जल्द से जल्द अपनी जो जमीन है वो वापस रिटेन करना चाहती है ऐसे एनक्रोचर से जिन्होंने की सरकारी जमीन का बड़ा हिस्सा जो है वो अपने इलीगल ऑक्यूपेशन में रखा हुआ है। तो सूत्र ये बता रहे हैं कि ईद के बाद पुनः जम्मू कश्मीर में पीला पंजा चलेगा और मुख्यतः जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं उन पर कार्रवाई होगी और फिलहाल जो पॉलिसी जम्मू कश्मीर केंद्र के पास लेकर गया था एमएचए ने जब इंटरवीन किया था तो ऐसी जानकारी है कि उसमें गरीब व्यक्ति के लिए, आजीविका चलाने वाले व्यक्ति के लिए जरूर छूट होगी, लेकिन जो बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग हैं उन पर कार्रवाई होगी और अगर समय की बात करें तो सूत्रों के मुताबिक ये समय ईद के बाद का है, यानी कि जैसे ही यहाँ पर ईद होगी तो उसके बाद इस पॉलिसी को पब्लिक डोमेन में डाल दिया जाएगा और पीला पंजा एक बार फिर से मैदान में लौट आएगा। नमस्कार।